आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। बलिया सातवार की यूटी से कई बार में लगभग 32 लाख की साइबर ठगी करने वाले नाइजीरियन मूल के 3 साइबर ठगों को साइबर क्राइम थाना परिक्षेत्र आजमगढ़ की टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम के द्वारा पूछताछ में और बरामद दस्तावेजों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि इन लोगों ने अब तक लगभग 100 करोड़ रुपए की ठगी करके नाइजीरियन व अफ्रीकी बैंकों में पैसों को जमा कराया है। आपको बता दें कि दिनांक 14/5/2023 को साइबर ठगी की शिकार वादिनी ने थाना सतवार जनपद बलिया में प्रार्थना पत्र दिया था कि इंस्टाग्राम पर लॉरेंस माइकल ने दोस्ती कर मेरे शादी में महंगे उपहार देने के नाम पर मुझसे करीब 32 लाख रुपए की साइबर ठगी की गई है, जिसकी सूचना के आधार पर मुकदमा संख्या 119/2023 धारा 419-420 भादवी 66 DIT एक्ट पंजीकृत किया गया। उक्त अपराध के सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु विशेष पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ द्वारा 20/7/2023 को साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ परिक्षेत्र को स्थानांतरित। पेश है बलिया से नवल जी की खास रिपोर्ट। सर, आज साइबर क्राइम थाना परिक्षेत्र आजमगढ़ को किस प्रकार की सफलता प्राप्त हुई? जनपद बलिया के थाना सहतवार में दिनांक 14/5/23 को एक युवती द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि उससे किसी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर लॉरेंस माइकल के नाम से आईडी बना करके दोस्ती की और दोस्ती के क्रम में उसने उस युवती को युवती की शादी में महंगा गिफ्ट देने के नाम पर कई बार में करके लगभग 32 लाख रुपए विभिन्न अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। इस प्रकार से उस युवती के साथ 32 लाख रुपए का की साइबर जो ठगी हुई थी उसके संबंध में थाना सहतवार में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई। चूंकि मामला 32 लाख की ठगी का था, इसलिए उक्त अभियोग को तत्काल साइबर क्राइम थाना परिक्षेत्र आजमगढ़ को विवेचना के लिए स्थानांतरित किया गया। साइबर क्राइम थाना परिक्षेत्र आजमगढ़ की टीम ने अथक परिश्रम करते हुए उक्त घटना का अनावरण कर लिया है। उक्त घटना से संबंधित 3 साइबर ठग नाइजीरियन जो रहने वाले हैं नाइजीरिया के, उनको गिरफ्तार किया गया है दिल्ली से। और वो जो 3 गिरफ्तार हुए उनका नाम है आस्टिन चिबुके और जस्टिस चिमेजी और किजीटो चिमामका। ये तीनों अभियुक्त नाइजीरिया के रहने वाले हैं, जो पूछताछ में बताए हैं कि ये मेडिकल वीजा और स्टूडेंट वीजा के नाम पर नाइजीरिया से इंडिया में आकर के दिल्ली में रह रहे थे और वहाँ अपने मिजोरम और नागालैंड के साथियों के साथ मिलकर के लोगों से सोशल मीडिया पर दोस्ती करते हैं और दोस्ती करके उनको महंगा गिफ्ट देने के नाम पर उनसे धीरे धीरे करके लाखों रुपया विभिन्न अपने अकाउंट्स जो इनके अफ्रीकन और इंडियन अकाउंट्स हैं उनमें पैसा ट्रांसफर करवाते हैं। तो आज इन तीनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। आगे जो इनसे जो बरामदगी हुई है उसके संबंध में इनके पास कुल 2 अदद लैपटॉप और 7 मोबाइल फोन और राउटर और डोंगल और 4 पासपोर्ट और 4 इंडियन सिम कार्ड और 4 नाइजीरियन सिम कार्ड, अन्य फर्जी कागजात भी बरामद हुए हैं तथा इनके पास से लगभग 100 इंस्टाग्राम और फेसबुक के आईडी और पासवर्ड मिले हैं और इनके पास से 1000 इंडियन कॉन्टैक्ट्स मिले हुए हैं। इस प्रकार से साइबर क्राइम थाना परिक्षेत्र आजमगढ़ की टीम ने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण सफलता अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों का जो नाइजीरियन है उनके गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उनके 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ में जो इनके अन्य साथी प्रकाश में आए हैं उनके संबंध में भी कार्रवाई प्रचलित है। आगे का अपडेट इसमें जो भी रहेगा वो आप लोगों को समय समय पर दिया जाएगा। धन्यवाद।